आज हम करेंगे आपके संस्कृत में वर्ण विचार, जिसमें वर्ण विचार का आपको पता ही है कि वर्ण हम किसे कहते हैं, जो आपके स्वर और व्यंजन हैं, जैसे अ आ ई उ, ये आपके वर्ण हैं। इन वर्णों से ही मिलके हमारे क्या बनते हैं, शब्द, और शब्दों से मिलकर ही हमारे बनते हैं अक्षर, और अक्षर से मिलकर ही बनते हैं हमारे वाक्य। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे, वर्ण, संस्कृत में वर्णमाला। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। संस्कृत में वर्ण दो होते हैं, एक होता है आपके स्वर, दूसरा होता है आपके व्यंजन। ये तो हो गए आपके हिंदी के अंदर। अब संस्कृत में स्वर को क्या बोलते हैं, अच्छ स्वर, जो होते हैं हमारे नो, और व्यंजन को बोलते हैं हल, जो होते हैं हमारे 33। ठीक है, स्वरों में जैसे कि हमारे जो नो हैं वह कौन से आते हैं, हमारे अ आ ई उ ए आई, ये आते हैं, और व्यंजन में हमारे आते हैं क ख ग ग, इस प्रकार से। तो हिंदी में तो हम बोलते हैं स्वर, और संस्कृत में हम क्या बोलेंगे उसको, अच्छ स्वर, जो ऐसे च। ठीक है, और व्यंजन बोलते हैं हम हिंदी में क ख ग ग को, लेकिन संस्कृत में हम उन्हें क्या बोलेंगे, हल स्वर। ठीक है, तो आपको इनकी संख्या का भी पता चल गया कि स्वर कितने होते हैं 9, और व्यंजन कितने होते हैं हमारे 33। ठीक है, तो आगे हम इसके देखते हैं व्याकरण। व्याकरण एक शब्द शास्त्र है, जिसके अध्ययन से शब्दों की उत्पत्ति, विकास, अर्थ एवं प्रयोग का सम्यक ज्ञान होता है। इसके इकाइयों में वर्ण, शब्द, वाक्य, संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, विशेषण, क्रिया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि प्रमुखता से जाने जाते हैं। कारक और विभक्तियों का भी अध्ययन आवश्यक है, अतः क्रमशः उनका विवेचन किया जाएगा। ठीक है, व्याकरण क्यों बनाई गई है, क्योंकि इससे हमें एक व्यवस्थित अक्षर ज्ञान होता है, जो सही शब्द ज्ञान है वह हमें व्याकरण से ही प्राप्त होता है। बिना व्याकरण के हम शब्द नहीं सीख सकते हैं। शुद्ध